मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में रिव्यू मीटिंग के दौरान प्रदेश में रात 8 बजे बाद शराब बिकने पर पूर्णतया पाबंदी लगाई है। अगर कहीं पर रात 8 बजे बाद शराब बिकी तो संबंधित एरिया का एसएचओ, डिप्टी और एसपी जिम्मेदार होगा। बार बार शिकायत मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके साथ सीएम बोले कि पिछले कुछ समय में जमीनों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में सभी तरह के माफियाओं की जांच के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी। मालूम हो कि प्रदेश में सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक संचालित होने वाली शराब की दुकानों पर रात 8 बजे बाद भी शराब की बिक्री होती है, जिसके कारण देर रात तक असामाजिक तत्व सड़कों पर घूमते रहते हैं, जिसके कारण अपराध की संख्या में वृद्धि हो रही है। सीएम गहलोत रिव्यू मीटिंग के दौरान बोले कि प्रदेश में लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुख्यालय स्तर पर सख्त प्लान बनाया जाएगा। हालांकि प्रदेश में हुई बड़ी वारदातों के बाद राजस्थान पुलिस ने पीछा करके बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान सीएम बोले हैं कि प्रदेश में एफआईआर कंपलसरी करने से अपराध के आंकड़ों की संख्या जरूर बढ़ी है, लेकिन परिवादी को चक्कर लगाने कम हुए हैं, क्योंकि कोर्ट के जरिए दर्ज होने वाले मुकदमों की संख्या घट गई है। महिला अत्याचार के मुकदमों की जांच का समय साल 2018 में 168 दिन था, नए प्रयोग के बाद घटकर 69 दिन रह गया। इसी तरह एससी एसटी धाराओं के तहत दर्ज होने वाले मुकदमों की जांच का समय 231 से 79 दिन रह गया है। पुलिस को सहयोग के 1000 होमगार्ड देने की घोषणा की गई है। एनसीआरबी रिपोर्ट में राजस्थान के आंकड़े बढ़ाकर दिखाए गए हैं, जिसकी वजह राजस्थान का अनावश्यक बदनाम हुआ। बैठक के दौरान सीएम बोले कि राजस्थान पुलिस का किसी भी स्तर का कर्मचारी या अधिकारी अगर कहीं पर अपराधी या माफिया से मिलीभगत सामने आती है तो उसे तत्काल सेवा से बर्खास्त किया जाएगा, जांच के बाद उसकी गिरफ्तारी भी की जाएगी।